स्कूल बस अनियंत्रित होकर नदी के खंडक में जा गिरी है। तो ये बड़ी खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है, जहां हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अनियंत्रित बस होकर खंडक में जा गिरी है, घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बस में करीब 20 बच्चे शराब सवार थे। ड्राइवर पर तेज रफ्तार बस चलाने का आरोप है। नदी में गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। थाना कोख राज्य के तरसौरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां स्कूल बस अनियंत्रित होकर नदी के खंडक में जा गिरी है। तो कौशाम्बी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में 20 बच्चे सवार थे। ड्राइवर पर तेज रफ्तार बस चलाने का आरोप लगाया गया है। लखनऊ में एक बार फिर सड़क धसी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं सड़क धसने का मामला सामने आया है। बारिश के चलते 1090 चौराहे के पास सड़क धसी है, जहां 1090 चौराहे से जिया मऊ जाने वाली सड़क धसी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लखनऊ से सड़क धसने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए लखनऊ में एक बार फिर से सड़क धसी है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए जिस तरीके से बात की जाए, जो सड़कें लगातार बनी हुई थी, क्योंकि इससे पहले जो बरसात हुई थी, बरसात में कई जगह पर सड़कें धसी थी, उसमें कई बाइक सवार और कार सवार भी घायल हुए थे, जिसमें कि जो तस्वीर देखी गई थी वो वजीरगंज की देखी गई थी, बलरामपुर हॉस्पिटल की देखी गई थी। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है इस बार बरसात की, वो तस्वीर है पौश इलाका, यानी कि गोमती नगर और हजरतगंज का एरिया। क्योंकि जिस तरीके से हजरतगंज की जो गोमती नगर की जो तस्वीर दिख रही है 1090 चौराहे की, ये आप साफ देख रहे हैं कि जिस तरीके से गड्ढा हुआ, यहाँ पे फिलहाल किसी तरह का कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये एक बड़े हादसे को दावत भी दे रहा है, क्योंकि पानी भरा हुआ है, लोग उधर से गुजर रहे हैं, लेकिन वो जो गड्ढा है, वो जो सड़क धसी है, वो किसी को नजर नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही पानी थोड़ा कम हुआ, लोगों ने उस रास्ते को देखा, तभी सूचना दी गई और उसके बाद वहां पर काम शुरू कर दिया गया। लेकिन जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें पूरे दावों की पोल खोल रही है कि किस तरीके से जो गुणवत्ता के साथ पूरा काम करने का जो दावा किया जा रहा था, सड़कें मजबूत बनाने का जो दावा किया जा रहा था, वो पूरी तरीके से पोल खोलते हुए नजर आई है। क्योंकि पहली बारिश में नहीं पूरी पोल खोल दी, जाहिर सी बात है अगर बरसात और होगी और जो पानी का जल भरा होगा, उससे कहीं ना कहीं और जो सड़कें धसने का जो मामले वो भी सामने आएंगे और लोगों के घायल होने की जो तस्वीरें हैं वो भी साफ देखी जाएंगी। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से ये जो जल भराव ने पहली तस्वीर दिखाई है सड़क धसने की, ये आज जिस तरीके से जो सड़क धसी, गोमती नगर हो गया, इसके साथ आपका वजीरगंज हो गया, टेढ़ी पुलिया हो गया, ऐसे कई तस्वीरें सामने आ रही हैं धसने की। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से जो गुणवत्ता की बात की जा रही है, वो कितनी इसमें तस्वीरें साफ होंगी और जो सड़कें हैं वो मजबूत की जाएंगी। जी धन्यवाद कलीम हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव जैसी बड़ी समस्या भी पैदा हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें बाराबंकी रेलवे स्टेशन बस अड्डे में भी पानी भरा है। प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बता दें कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह जलजमाव जैसी बड़ी समस्या भी पैदा हो गई है, जहां बाराबंकी रेलवे स्टेशन बस अड्डे में भी पानी भरा है।